बेनी प्रसाद वर्मा जी, रीता बहुगुणा जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप जैन जी, विनू पांडे जी, नसीब पठान जी, शिवलाल कोरी जी, चंद्रश भाई, मणि तिवारी जी, मंगल देव सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चार से दिल्ली में यूपीए की सरकार है और जहां भी कांग्रेस पार्टी सरकार चलाती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आम आदमी की, गरीबों की, पिछड़ों की सरकार चलाएं। आप कहीं भी चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, केरल चले जाइए, हरियाणा, दिल्ली, असम, मिजोरम, जहां कांग्रेस पार्टी सरकार चलाती है, हमारे सब प्रोग्राम, हमारा फोकस गरीबों पे होता है, पिछड़ों पे होता है, दलितों पे, आदिवासियों पे, कमजोर लोगों पे होता है। और जब हम 2004 में आए, सबसे बड़ा काम मनरेगा का हमने किया। और मनरेगा एक प्रोग्राम नहीं है, एक कानून है। कानून कहता है कि अगर कोई भी हिंदुस्तान का गरीब किसी भी प्रदेश का अगर रोजगार मांगे तो सरकार उसे रोजगार गारंटी करके देगी। कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार, दिन के 120 रुपए, मतलब 12,000 रुपए। जो भी गरीब व्यक्ति मांगेगा, जो भी काम करने को तैयार होगा, उसको 12,000 रुपए दिल्ली की सरकार गारंटी करके देती है। अगर हम चाहें भी कि हम ना दें, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कानून बना दिया कि भैया अगर जनता मांगे तो गारंटी करके देना है। पूरे हिंदुस्तान में चलता है। जब भी मैं गांव में जाता हूं, मेरा पहला सवाल होता है, नरेगा चल रहा है या नहीं? आंध्र में जाओ, गरीब महिलाओं से पूछो, बताती है कि भैया जरूर चल रहा है। इंटरनेट पे जाइए, हमारा नाम है, इतने दिन काम किया है, इतना पैसा मिला है, इंटरनेट पे लिखा हुआ है। पर अगर आप आंध्र प्रदेश की वेबसाइट पे जाएंगे, हर एक महिला का नाम, गरीबों का नाम इंटरनेट पे है, खुला है। और वो कहती है कि भैया जितना फायदा इस प्रोग्राम से होता है, शायद और किसी और प्रोग्राम से ना हो। जब हमने ये प्रोग्राम यहां लागू किया, मायावती जी ने लखनऊ में भाषण किया और उन्होंने कहा, देखिए मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं यहां, आम आदमी तक नहीं पहुंचता, आप तक नहीं पहुंचता, मिनिस्टरों के हाथों में चला जाता है, बीएसपी के कार्यकर्ताओं के हाथों में चला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चला जाता है, हमारी गरीब जनता वहीं की वहीं रह जाती है। मशीन से काम होता है और जो फायदा आपको मिलना चाहिए नहीं मिलता।